सब्सक्राइब करें एसएस कोचिंग चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम बैक टू एसएस कोचिंग। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन लेके आए हैं और वो है एसएससी की तरफ से। तो बात करेंगे आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल के नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए देखते हैं फुल डिटेल क्या क्या रहेगा इसके अंदर। तो ये सब बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। उससे होगा क्या कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हम यहाँ जो वीडियो बनाते हैं वो बनाते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, कौन सा नोटिफिकेशन आया है, किसका रिजल्ट आया है, क्या उसका अपडेशन रहा है, आप इन सब बातों को लेकर अपडेट रहे, इसलिए हम यहाँ पर पल पल की खबर देते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो जीडी का अपना यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो नोटिफिकेशन में हम पहले बात करेंगे सबसे पहले फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस एज यूजुअल आपको सबको पता ही है, एसएससी की जनरल ओबीसी की 100 रहती है, एससी एसटी उनकी 0 रहती है। और फीस को पे करने का यहाँ पे जो मोड है वो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ऑफलाइन ई चलान से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो जो नोटिफिकेशन की रिलीजिंग डेट है वो 21 जुलाई 2018 यानी आज की, आज इसका होल नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ जाएगा। और जो इसका एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो भी आज की है, 21 जुलाई 2018। और इसका एक्टिव लिंक ही जल्दी होने वाला है तो आप फिर इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन डेट देख लेते हैं, लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट कब है इसकी, वो है 20 अगस्त 2018 को। और जो लास्ट फीस पेमेंट डेट है वो भी है 20 अगस्त 2018 को। और आप देखेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम डेट इन्होंने कोई अभी तक बताया नहीं है कब ये नोटिफिकेशन करेंगे। और जो एसएससी ने अपना कैलेंडर निकाला था तो आपने देखा होगा वहाँ पे भी इन्होंने एग्ज़ाम डेट को लेके कोई डिक्लेरेशन नहीं दी थी। तो जो इसका एडमिट कार्ड है वो भी एज़ यूजुअल अभी कुछ पता नहीं है। तो जो इसमें मेन बात ये है कि ये इसका टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है इस बार, तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर लीजिए। तो एज लिमिट की बात करेंगे, एज लिमिट है यहाँ पे देखेंगे आप 18, मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 21 होनी चाहिए। पर हमें लगता है यहाँ पे इन्हें एज बढ़ानी चाहिए थी, कम से कम 25 तक के लिए बच्चे एलिजिबल करने चाहिए थे, 18 से 25 तक इसमें बच्चों की एलिजिबिलिटी रखनी चाहिए थी। पर इनके अपने कुछ मैटर्स होते हैं वो हमें भी नहीं पता, वो तो इन्हें डिपार्टमेंट को ही पता हो सकता है, पर इसमें इन फ्यूचर पता करने की कोशिश किया जाएगा कि क्या इसका प्रोसेस है। तो एलिजिबिलिटी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो वैकेंसी की अगर बात करें तो यहाँ देखेंगे आप टोटल वैकेंसी 54,953 पोस्ट आई हैं दोस्तों। तो आप पूरी वैकेंसी की बात करेंगे अगर जीडी कॉन्स्टेबल की, तो यहाँ पे देखेंगे 28,619 जो है यहाँ पे जनरल की है और 11,966 यहाँ पे जो है ओबीसी की है। और एससी की वैकेंसी 9,455 है और एसटी की 4,913 है। तो टोटल पोस्ट ही यहाँ पे आपकी इतनी बैठती है। तो आप यहाँ अगर देखेंगे हमारी इसमें तो बीएसएफ की मेल फीमेल्स की देख सकते हैं इसकी कितनी कितनी है, सीआईएसएफ में मेल्स फीमेल की देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है, एससी सीआरपीएफ एसएसबी आईटीबी एआर एनआईए, ये तो काफ़ी अच्छा रहा है इस बार, एनआईए में भी इन्होंने थोड़ी सी वैकेंसी डाली है भले ही वो आरटी क्यों ना हो मेल्स के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छी है भाई। एसएसएफ की भी इन्होंने डाली है यहाँ पे, तो ये सब देख लेंगे। तो जो बात करेंगे यहाँ पे करेंगे फिज़िकल एलिजिबिलिटी की, फिज़िकल एलिजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है मेल फीमेल हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर 170 हाइट मांगी है, अगर मेल एसटी है तो उनकी 165 सेंटीमीटर मांगी है, फीमेल की हाइट 157 मांगी है और जो एसटी है उनकी 155 सेंटीमीटर मांगी है। चेस्ट की बात कर लेंगे नॉर्मल 181 वो सॉरी चेस्ट की बात कर ले तो 81 तो होनी चाहिए और 5 उसे फुला के होनी चाहिए सेंटीमीटर में। और एसटी वालों की बात कर ले तो 76 होनी चाहिए और 80 उसे फुला कर होनी चाहिए। तो लड़कियों की यहाँ पर चेस्ट नहीं नापी जाती है इसलिए उसका एन ए दिया हुआ है। 1600 मीटर रेस की बात कर ले तो इस बार हमें मतलब बच्चों को बहुत कम समय में माननी है, यानी 6 मिनट में माननी है तो अच्छी तैयारी हो सकती है और लड़कियों को 8 मिनट में माननी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने टाइम भी बढ़ा दिया है
और लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 14 फीट दी हुई है और लड़कियों को 10 फीट दी हुई है। और हाई जंप की बात कर ले तो यहाँ पे भी ये थोड़ा कम दिया गया है इस बार, 9 फीट, वो सॉरी 3 फीट 9 इंच दिया हुआ है SC ST दोनों के लिए। और जो हाई जंप की बात कर ले तो वो लड़कियों की 3 फीट दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं क्लिक एयर करके, और जो यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, और जहाँ तक उम्मीद है आज ये रिलीज़ कर दिया जाएगा। और अप्लाई की बात करें तो वो भी आज ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो यही कहते हुए हम आप वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे आप ही का बेनिफिट है और हमारा तो है ही कि हमें मोटिवेशन मिलेगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए यही कहते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।